जम्मू कश्मीर रे सरकार गढ़िबा पई नेशनल कॉन्फ्रेंस उपराज्यपाल मनोज सिन्हा निकट रे दाबी उपस्थापन करिछंती। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल नेता उमर अब्दुल्ला गतकाली 6 कांग्रेस जणे सीपीआई जणे आप और 4 स्वाधीन विधायकों समर्थन पत्र नै राज्यपाल निकट रे उपस्थापन करिछंती। सेबडे हरियाणा रे कांग्रेस को नै पराजयर सामना करथिबा आम आदमी पार्टी आप जम्मू कश्मीर रे नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन घोषणा करी छी। डोडा रे आम आदमी पार्टी रो मेहराज मल्लिक बीजेपी प्रार्थी गजे सिंह राणा को परास्त करी निर्वाचित होईछंती। मेहराज गतकाली उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भेटी तांको समर्थन पत्र दाखल करी छंती। मैंडेट आवाम ने, ज्यादातर यहाँ की आवाम ने एनसी को मैंडेट दिया है, तो कहीं ना कहीं आवाम की ज्यादा हमदर्दी अगर उस पार्टी से है, और वैसे भी अलायंस का हिस्सा हम रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी की भी यही ख्वाहिश रही है कि भाजपा की ताकत को रोकने के लिए जो जो चीजें मुमकिन हो सकती है हम करेंगे, और इनकी तानाशाही को रोकने के लिए सरकार बनाना बड़ा जरूरी है, और इनकी डिक्टेटरशिप को रोकना ये बहुत जरूरी है। देश के हालात को बेहतर बनाने के लिए पूरे देश के अंदर अलायंस मजबूत होना चाहिए, उसकी ख्वाहिश करते हैं। मैं सारा जो है दिल्ली पे छोड़ रहा हूँ। दिल्ली हमारी हाई कमांड है, और उनका जो भी फैसला होगा, मैंने कहा देश के हित में बेहतर सोचते हैं, तो जम्मू कश्मीर के एक छोटे से इलाके में अगर लोगों ने विश्वास दिखाया है आम आदमी पार्टी पे, तो केजरीवाल जी उस पर बहुत अच्छा निर्णय लेंगे और मुझसे बेहतर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि उनके नेतृत्व में ये सारी चीजें हो रही है। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई, मुलाकात के दौरान मैंने उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम, आम आदमी पार्टी और जिन इंडिपेंडेंट्स के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन की चिट्ठी मिली है, उन्हें उन चिट्ठियों को मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हवाले किए और उनसे गुजारिश की कि जल्द से जल्द वो तारीख मुकर्रर करें ताकि यहाँ ओथ लिया जाए और लोगों की चुनी हुई हुकूमत जो है अपना काम संभाले।